नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं अभिषेक सिंह पोल्ट्री। फ्रेंड्स, आए दिन खबर आ रही है और मेरे कमेंट में देखने को मिल रहा है कि मुर्गियां जो है वो पलट के मर रही है। तो इसका कारण क्या है? नए जो पोल्ट्री फार्मर है उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है? क्योंकि नए फार्मर को ही दिक्कत, जो पुराने फार्मर है उनको तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है क्योंकि उनका एक्सपीरियंस बिल्कुल काम आ जाता है, लेकिन मार खा जाते हैं नए फार्मर। तो बिल्कुल बने रहिए अंत तक, इस वीडियो को देखिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर दे। हमारा लाइक का आज टारगेट है 200, 200 लाइक फ्रेंड पूरे करना है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और साथ ही साथ आप खुद भी लाइक कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं पलट के मरने वाली कारण पे कि क्या कारण हो सकता है। आप लोग जब भी देखेंगे कि मुर्गियां जो है वो या तो बैठ करके मरती है या तो फिर पलट करके मरती है, तो पलट करके, अभी गर्मी की सीजन है तो पलट अधिकांश मुर्गियां देखेंगे आप, एक कारण होता है कि दाना अगर खा रही है पोल्ट्री, ठीक है, और गर्दन वगैरह में अटक जाता है तो उस समय भी पलट के मरेंगे, लेकिन उस समय आप ध्यान देंगे कि वो फीडर के पास ही मरी रहती है। जी हाँ फ्रेंड्स, पोल्ट्री जब फीडर के पास पलट करके मरे तो उसको ये समझा जाता है कि ये जो है वो दाने गर्दन में फंसने से मरी है। दूसरी बात यह है कि आप अगर दोपहर में, मैं हमेशा से मना करता हूं कि अपने फार्म में विजिट मत करिए, अपने फार्म में विजिट मत करिए, और साथ ही साथ जैसे धूप खिलने लगता है, आपको लगे कि टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो आप अपने जो है वो ड्रिंकर को, ठीक है, उसमें ठंडा पानी भर दें और साथ ही साथ अपने फीडर को जो है वो उठा दें, ताकि मुर्गियों के पहुंच के बाहर उठा दे ताकि वो उसमें से दाना ना खा पाए। क्योंकि दाना अगर पोल्ट्री हमारी खाती है तो उनका बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा ही, बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर वो पलट के मरने वाली जो है वो समस्या यहीं से उत्पन्न होती है। जी हाँ फ्रेंड्स, बॉडी टेम्परेचर अगर बढ़ जाता है, मुर्गियों का हार्ट बीट बढ़ जाता है, आप लोग अगर दोपहर में, अभी के समय में, आज के डेट में भी अगर आपका पोल्ट्री समझिए तो 1 केजी पार कर गया है, 1.25 केजी हो गया है, 1.5 केजी हो गया है, 2 केजी हो गया है, तो आप अपने फार्म में जब भी जाएंगे तो देखेंगे पोल्ट्री बहुत जोर जोर से हाँफती है दोपहर में। और यही कारण है कि अगर आप फार्म में विजिट कर जाते हैं, मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फार्म में ज्यादा से ज्यादा विजिट करना चाहिए, लेकिन कोई कोई ऐसा भी समय होता है जबकि विजिट नहीं करना है। जैसे कि अभी के समय में दोपहर में आप पोल्ट्री फार्म में विजिट बिल्कुल ना ही करें तो अच्छा है। मुर्गियां जितना चलेंगी दौड़ेंगी, ठीक है, उतना ही उनका हार्ट रेट ज्यादा हो जाएगा, उनका बॉडी टेम्परेचर ज्यादा हो जाएगा, वो फिर संभाल नहीं पाएंगे, हीट स्ट्रोक का खतरा है, और साथ ही साथ वो पलट करके छटपटा के बिल्कुल पोल्ट्री मोर्टिलिटी आ जाती है। तो इस चीज से बचने के लिए आप काम क्या कर सकते हैं, मैंने थोड़ा बहुत तो बता ही दिया आपको इस वीडियो में कि फीडर को ऊपर करेंगे, ड्रिंकर में ठंडा पानी भरेंगे, साथ ही साथ जो है वो इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करेंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, दोपहर वाले पानी में इलेक्ट्रोलाइट का प्रयोग करेंगे और साथ ही साथ ये भी ध्यान देंगे कि दोपहर में हम लोग धूप खिलने से पहले ही दोपहर वाला पानी दे दे, ताकि हम लोगों को जब बिल्कुल गर्मी अपने चरम पे हो तो अपने फार्म में जाने की बिल्कुल भी जरूरत बिल्कुल ना पड़े। तो यही छोटी सी टॉपिक थी और सिंपल सा टॉपिक था, मैंने आपको बता दिया कि क्या कुछ करना है, और दवा जो है वो इलेक्ट्रोलाइट ही देना है। इलेक्ट्रोलाइट आप देंगे तो मुर्गियों का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल मेंटेन रहेगा और आपका फार्म बिल्कुल अच्छा रहेगा। तो फिर मिलते हैं, ऐसे ही कोई भी दिक्कत है, कोई भी सवाल है तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, निश्चित तौर पे आपको हेल्प किया जाएगा। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे फोन पे बात करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के मेंबरशिप भी ले सकते हैं, आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। फिर मिलते हैं, तब तक ले नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।